प्रिय छात्रों, आज हम रसायन विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा था 11th का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसका भाग 3 शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हटेंगे आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्यों आया? जो पहला था मेंडेलीव का आवर्त नियम था, मेंडेलीव ने कुछ कमियां की थी जिसको सुधारने के लिए क्या आया था, आधुनिक आवर्त नियम। देखो, मेंडेलीव ने आवर्त सारणियों की कमियों को देखते हुए मोजले ने एक संशोधित आवर्त नियम प्रस्तुत किया जिसे हम क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब तत्वों को हम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में रखते हैं, तो उन्होंने देखा एक निश्चित अंतर पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की आवर्त सारणी पुनरावृत्ति होती है। जो मेंडेलीव ने बनाई थी आवर्त सारणी, उसने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा था, जो गलत हो गया था। इसलिए जो आधुनिक आवर्त नियम बना वो परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा गया। ठीक है, अब अगले अध्याय है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं या गुण या प्रॉपर्टी क्या होता है। इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। ठीक है, नंबर 2, इसमें अपक्रिय गैसों के लिए अलग स्थान दिया गया। मेंडेलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उसने अपक्रिय गैसों के लिए अलग स्थान नहीं दिया था, लेकिन जब मोजले थे उन्होंने आवर्त सारणी बनाई और परमाणु क्रमांक का आधार रखा, तो उन्होंने अपक्रिय गैसों के लिए अलग स्थान दिया गया। जो शून्य वर्ग है वो अपक्रिय गैसों का ही वर्ग है। नंबर 3, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान न दिए जाने का कारण स्पष्ट हो गया। जब मेंडेलीव ने तत्वों को रखा था तो उसने समस्थानिकों को एक साथ रख दिया था। ठीक है, तो वह इसका कारण नहीं बता सका, लेकिन इसका कारण जो हमारे मोजले थे जिन्होंने आधुनिक आवर्त नियम बनाया, उन्होंने इसका कारण स्पष्ट किया कि समस्थानिकों को अलग अलग स्थान क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, अब जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम आया था इसकी कुछ कमियां भी हुई थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां, ठीक है, नंबर 1 हाइड्रोजन की स्थिति। अब जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम आया, मोजले ये भी बता पाए कि हाइड्रोजन की एक्चुअल स्थिति होनी क्या चाहिए, क्योंकि इसके कुछ गुण तो मिलते हैं छाट धातुओं से, मतलब फर्स्ट वर्ग से, और कुछ गुण मिलते हैं इसके हाइड्रोजन परमाणु से, मतलब सेवंथ वर्ग से, तो वह इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका और उसने हाइड्रोजन को वर्ग 1 में ही रख दिया। ठीक है, नंबर 2, धातुओं व अधातुओं की स्थिति। अब धातुओं के गुण अलग होते हैं, अधातुओं गुण अलग होते हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है, धातु भी आते हैं अधातु भी आते हैं, तो वह धातुओं और अधातुओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका। नंबर 3, असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ व समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखना, मतलब वो असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ क्यों रख रहा है, या फिर जिनके गुण समान है उनको अलग अलग क्यों रख रहा है, इसका कारण स्पष्ट नहीं कर सका। ठीक है, नंबर 4, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की स्थिति। जो हमारी 4F और 5F श्रेणी के एलिमेंट्स थे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के, उनके तत्वों की स्थिति भी वह स्पष्ट नहीं कर सका। ठीक है, ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी थी, इसमें कमियां।